आपको गाइड कंपनी की तरफ से कैसा रहा? आई एकदम परफेक्ट था, मतलब ऐसे कुछ भी शिकायत का मौका नहीं है। अच्छा, कंपनी जैसे कि मैं बोतल कहाँ से लेना है, स्टिकर कहाँ बनवाना है, कैप कैसे लाना है, फ्लेवर अलग अलग कैसे डेवलप करना है, ये सारा कुछ ये सब परफेक्ट कंपनी की तरफ से हुआ। एकदम गाइडेंस एकदम परफेक्ट था। अच्छा, क्या बात है। आप मशीन को 7 महीने से आप खुद इस्तेमाल करते हो जी। अभी तक कंपनी फॉल्ट से मशीन कितनी मरतबा बंद हुई? कभी कभी नहीं। पक्का? पक्का। ऐसा एक भी बार हुआ कि मशीन बंद है हम फोन नहीं उठा रहे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, एक ही फोन पे आपका फोन रिसीव होता है। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब हमारे व्यूअर्स को कुछ हमारी कंपनी के बारे में कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छी सर्विस है इनकी और देते रहिए ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी व्यूअर्स को हमारी कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप कि कैसा लगा आपको हमारा काम, रिव्यू के साथ क्या हो रहा है सर? एक ही लाइन में सर, लोग 5 स्टार देंगे, मैं 7 स्टार देता हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक कॉल पे अगर अवेलेबल हैं तो सबसे अच्छी चीज़ यही है। बिल्कुल, हर जगह सर्विस एक जैसी नहीं मिलती। सर्विस अच्छी है मतलब बिजनेस अच्छा है। बिल्कुल, अगर बिजनेस करना है तो जहाँ सर्विस आपको अच्छी मिलेगी वहीं करिए। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लोग रियल बेवरेजेस में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, ये बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमा शर्मा, मैं रियल बेवरेज सोडा मशीन कंपनी की ओर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज अलहमदुल्ला फिर से मैं आ गया हूँ महाराष्ट्र में, थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हूँ। हमारे कस्टमर ने जिन्होंने हमसे मशीन लिया था, मैं उनके पास आया हूँ। आप देख सकते हो ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पूरा पूरा कंपनी सर ने डाला हुआ है। आप देखिए, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सारे के सारे इंडस्ट्रियल काम होते हैं। यहाँ पर सर ने ये काम स्टार्ट किया है अपने खुद के एक मौजीजा फूड एंड बेवरेजेस के नाम से। हम लोग अंदर चलेंगे, सर से बात करेंगे। आइए, ये बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ है। अभी सर ने कितना टाइम हुआ मशीन लिए हमारे पास से, कौन सा मशीन लिए, सारी कुछ बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो सर? अच्छी तबीयत पानी? क्या बात है माशाल्लाह। उवैस भाई कैसे हो आप? अच्छी तबीयत पानी? सर क्या नाम है आपका? मखदूम खान। मखदूम खान साहब, सर अभी हम कहाँ पर है? आप शिलपाटे पे हो? शिलपाटा मुमरा। मुमरा, अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। सर आपने मशीन हमारे पास से लिया, उसको कितना टाइम हुआ? लगभग 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए, क्या बात है माशाल्लाह। तो 7 महीने हो गए मशीन लिए हुए आपने। आपको ये मशीन आपने हमसे परचेज किया, तो आपको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला था? आपका एड्रेस हमको यूट्यूब से ही मिला था। अच्छा। यूट्यूब चैनल से ही मिला था। उसके बाद हमने आपके ये कंपनी में बात करी थी, उसके बाद रेफरेंस मिला, तो हम खुद अहमदाबाद आके फिर आपसे डिस्कस करके ये मशीन लेके आए। अच्छा, क्या बात है माशाल्लाह। तो आपने यूट्यूब से एड्रेस लिया सर, तो यूट्यूब पर तो बहुत सारी कंपनियाँ वीडियो रखती हैं। नहीं, आपके वीडियोज़ देखे, उसके व्यूज़ देखे, व्यूवर्स के व्यूज़ देखे, तो उसमें थोड़ा मुतासिर हुए, तो इस वजह से आपके पास आए। आपके पास आने के बाद और मुतमईनियत हुई और अलहमदुल्ला फिर हमने वहीं पे डिसीजन लिया। अच्छा, और वहीं पर आपने एक ही बार में बुक कर दिया? अलहमदुल्ला वहीं पे बुक करके दूसरे दिन हमने बुकिंग दे दी। अच्छा, क्या बात है माशाल्लाह। सर आप वहाँ पर आए और आपने मशीन देखा, कंपनी देखी, आपने हम पर भरोसा किया, वो भरोसा आपका 7 महीने हो गए मशीन लिए, बाकी है या सर टूट गया? एकदम बाकी है, जब भी फ़ोन करो हर जन अवेलेबल है। अच्छा, हर चीज़ का रिस्पांस बराबर देते हैं वहाँ से, ऑफिस स्टाफ आपका अच्छा है, हर चीज़ का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर साथ में ना ये आप प्रोडक्ट जो बनाते हैं, मैं अब उवैस सर से बात करूँगी, मशीन ऑपरेट वही करते हैं, है ना? मशीन ऑपरेटिंग आप ही करते हो ना सर? बिल्कुल। कैसी तबीयत पानी, अच्छे हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, ये आपके डैडी मशीन लाए, ऑपरेट तो आप कर रहे हो, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग में कैसी लगी मशीन? फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो अभी तक 7 महीनों में कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है इसमें। मशीन ऑपरेटिंग इजी है या हार्ड है? इजी है, एकदम इजी है। अच्छा, ये काम आपने जब आपके हमारे साथ पास एक बच्चा है वो कर लेता ऑपरेट। अच्छा, क्या बात है, आपका छोटा भाई है जो आपको? छोटा भाई जो कर रहा है। क्या बात है माशाल्लाह। बिल्कुल, सर ने जो बनाया प्रोडक्ट यहाँ पर बताएंगे, कितना कितना फ्लेवर बनाते हो सर आप? अभी तो फिलहाल रनिंग में हमारे 4 फ्लेवर है। अच्छा, और आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आपने यूनिक भी किया है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए आपने क्या यूनिक किया इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या आपने ये कौन सा ये कैसे बना है, कौन सा फ्लेवर है इसके अंदर? ये जॉली जीरा है। अच्छा, जॉली जीरा जी, क्या बात है माशाल्लाह। इसको आपने टिन में पैक कर दिया? कैन में पैक। ये मैं पूरा इंडिया इतना घूमा हूँ, मुझे ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिली है कि पूरा आपने इसको टिन पैकिंग कर दिया। और ये देखिए बॉक्स ऐसा बना दिया, ये बहुत ही प्यारा बॉक्स बना दिया, देखिए ये टीन पैकिंग कर दिया। ये देखो हमारा काम है मशीन देना, मगर उसको क्रिएटिविटी आपके जिम में है, आप एडवांस कितना कर सकते हो। ये सर ने ये प्रोडक्ट जो है ना टीन में पैक कर दिया है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये पैक किया ऑरेंज पड़ा हुआ है 200 ml है ना, ये 160 ml। हाँ, क्योंकि ये क्वालिटी में डील करते हैं और पूरा ब्रांड बनाने की फिक्र में है और पूरा ब्रांडिंग काम है इनका। तो 160 ml तभी होगा जब बहुत बेस्ट क्वालिटी होगा, तो 160 ml सर कर पाएगी, बहुत अच्छा है। सर ये मशीन बता दें, यहाँ पर रखा हुआ सर का प्रोडक्ट है सारा, देखिए यहाँ पर ही कितना सारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। ये देखिए सारा 160 ml है,
160 ml का है, वहाँ पर भी आप देखिए ये पूरा कैन पैक किया हुआ है, जो टीन बोलते हैं ना हम, वो पूरा टीन पैक किया हुआ है। हाँ, ये इसके अंदर जीरा फ्लेवर फिल किया हुआ है ना आपने, क्या नाम बताया इसका? जॉली जीरा। हाँ, जॉली जीरा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये पैकिंग जो है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जीरा का प्रोडक्शन है, उसके अलावा ये ऑरेंज फ्लेवर डिश, ऑरेंज फ्लेवर का काम, सॉरी मुडी माल्टा, मुडी माल्टा क्या बात है, देखो ये यूनिक नाम है, मैंने पहली बार देखा। माल्टा नाम सुना हुआ जरूर है, मगर सोडा के लिए नहीं सुना है मैंने, आज तक सोडा के लिए नहीं सुना है मैंने, ये पहली मरतबा देख रहा हूँ मैं। ये होना चाहिए यार, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो ये प्रोडक्शन स्टार्ट है यहाँ पर मशीन में। ये कौन सा फ्लेवर चल रहा है सर? कूल कोला। सॉरी कूल कोला, क्या बात है, बहुत अच्छा यार। देखो ये कुछ अच्छा, मगर अभी जो चल रहा है ये कूल कोला का प्रोडक्शन चालू है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी ये पहले सिरप हो रहा है, उसके अरे सॉरी पहले सोडा फिल हो रहा है, उसके बाद सिरप हो रहा है, उसके बाद ये कैप लग रहा है। मशीन ऑपरेटिंग में आपको इजी लगा, हार्ड लगा सर? एकदम इजी है सर। अच्छा, एकदम इससे पहले आपका क्या काम था जब ये काम नहीं था आप करते? इससे पहले मैं डैड के साथ में था। अच्छा, आपके डैडी के साथ कुछ और बिजनेस था, यानी ये फूड रिलेटेड तो नहीं था वो काम आपका? नहीं, है ना। तो अब अच्छा, तो इसका नॉलेज आपको? होटल है लेकिन फूड रिलेटेड, पैकेजिंग, फैमिली बिजनेस है वो। अच्छा, मगर पैकेजिंग फूड का आपको नॉलेज नहीं था कि भाई आपको ये ड्रिंक वगैरह बनना है, ऐसा कुछ नॉलेज तो आपको नहीं था? नहीं, वैसा सब कुछ भी नहीं था फिलहाल। तो आपको गाइड कंपनी की तरफ से कैसा रहा? आइए, एकदम परफेक्ट था, मतलब ऐसे कुछ भी शिकायत का मौका नहीं है। अच्छा, कंपनी जैसे कि मैं बोतल कहाँ से लेना है, स्टिकर कहाँ बनवाना है, कैप कैसे लाना है, फ्लेवर अलग अलग कैसे डेवलप करना है, ये सारा कुछ, ये सब परफेक्ट कंपनी की तरफ से हुआ, एकदम गाइडेंस एकदम परफेक्ट था। अच्छा, क्या बात है। आप मशीन को 7 महीने से आप खुद इस्तेमाल करते हो जी। अभी तक कंपनी फॉल्ट से मशीन कितनी मरतबा बंद हुई? कभी नहीं। पक्का ऐसा एक भी बार हुआ कि मशीन बंद है हम फोन नहीं उठा रहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, एक ही फोन पे आपका फोन रिसीव होता है? अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आप हमारे व्यूवर्स को कुछ हमारी कंपनी के बारे में कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छी सर्विस है इनकी और देते रहिए ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जो 7 महीने मशीन इस्तेमाल किया, आपको कंपनी में फोन करने की नौबत कितनी मरतबा आई आपकी पर्सनली? अभी तक तो फिलहाल तो नहीं आया, एक भी मरतबा नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो ये सर ने कंपनी बनाई अपनी और भी बहुत अच्छा, ये मुझे इन्होंने जो इनके रेडी ने जो बात बताई, सर ने बताई बात कि भाई ये आगे और भी जो कर रहे हैं ना, ये बहुत कुछ अलग और कुछ यूनिक करने की फिक्र में, ठीक है। अभी इन्होंने फिलहाल 160 ml का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और ये बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाने की फिक्र में है, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह ताला इनको बरकत दे। अब इनके डैडी से हम पूछेंगे कि हमारी कंपनी के पास आए थे वो, तो हमारी कंपनी का रिव्यू, उनका कभी ज़रूरत पड़ी फ़ोन करने की, कैसा रहा क्या नहीं, मैं पूछूंगा। सर आपने, बिल्कुल सर, मैं आपसे ये पूछूंगा सर कि आप वहाँ पर कंपनी में आए थे, आपने मशीन का हमें ऑर्डर किया था जी, ठीक है। मशीन ऑर्डर कर देने के बाद से लेकर के अभी तक आपको हमारी कंपनी का व्यवहार कैसा लगा? असली में दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरे भाई हम लोग आए थे। अच्छा। और हम लोगों ने ये सारा चीज़ें किए थे। अनफॉर्चुनेटली उनका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। तो 3 दिन से पहले से, तो इस वजह से वो इधर नहीं बैठे हैं, और ये ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने ही हैंडल करी थी। अच्छा, फ़ोन पे भी उन्होंने हैंडल करी थी। अच्छा। वो और ये मेरे बेटे हैं, इन लोग दोनों मिल के ही कर रहे थे। कंपनी ये दोनों के ही हिसाब से चल रहे थे कि इन लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, आप भी दुआ करिए उन सेहत आफियत हो जाए, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो करेंगे। और आपकी तरफ से हमको कोई इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जब भी मशीन हमने आपको बोले, शोएब भाई को हमने फ़ोन किया, एक कॉल पे शोएब भाई उठाते हैं, आपका स्टाफ एक कॉल पे उठाता है, और जो गार्डियंस हमको चाहिए, आपका इंजीनियर है मशीन के बारे में कि ये कैसे सेट करना है, वो कैसे सेट करना है, वो सारा गाइडलाइंस हमको प्रॉपर तरीके से देते हैं। क्या बात सर, आपने मशीन है हमारे जंबो मॉडल, मगर आपने कस्टमाइज़ करवाया था, ठीक है। तो कस्टमाइज़ करने में टाइम लगता है थोड़ा, तो आपको जो टाइम दिया तो टाइम पे मशीन का डिलीवरी हो गया था? एकदम, मतलब 2 दिन पहले शोएब भाई ने बोला था मशीन रेडी है। अच्छा। बल्कि हमने उठाने में 20 दिन लेट कर दिए। अच्छा, अभी हमारी कंपनी की, आपकी कंपनी की तरफ से तो 2 दिन पहले शोएब भाई ने बोले थे मशीन आपकी रेडी हो चुकी है। अच्छा, क्या बात है। लेकिन हम लोगों का यहाँ जगह का, पानी का, यह सब सेटअप नहीं हो पाया था, तो हमने उधर से उठाने में 20 दिन लेट कर दिए। अच्छा सर, फिर मशीन जब यहाँ पर आ गई तो इंजीनियर टाइम पर आ गए थे डिलीवरी के लिए? 7 तो 7 ही आ गए। अच्छा, मतलब जैसे ही मशीन आई तो यहाँ रखी हुई थी, हमने जैसे ही फ़ोन किया बोले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाएंगे, इंजीनियर आए और उन्होंने पूरा सेटअप करके, कंप्लीट सेटअप कर दिया, करके सेटअप करके हर चीज़ करके बता के पूरा दिन रुके इधर। वो बोले आपको जो जो सवाल जवाब करना है सब करिए, क्या आपको नहीं समझ में आता है मैं समझाऊंगा, और शाम तक वो माशाल्लाह यहीं थे। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने और भी बात आपको बताऊं कि सर ने खुद की बोतलों की डाई बना ली,
बहुत मुझे अच्छा लगा कि वह स्टार्टिंग ही उन्होंने इतना खूबसूरत किया है कि आगे इंशाल्लाह तरक्की होनी ही होनी है। मैं देखो उन्होंने मशीन अच्छी जगह से चॉइस कर लिया, ठीक है डन हो गया। फिर उसके बाद अपनी अपनी रीत से बोतलों का, स्टीकर का, कैप का, जिसे और हमने एड्रेस दिया ठीक है, मगर वहाँ जाकर के अपनी रीत से उन्होंने और डेवलपमेंट करवाया उसके अंदर। मैं दूसरी एक और बात याद आई मुझे, बताऊँ आपको मैं, कि सर ने मशीन हमसे लिया, हमारी क्वालिटी उनको अच्छी लगी, मगर उससे पहले कहीं और कोई चीज़ भी देखी थी सर ने, जो मैं आपको बताऊँगा सर के मुँह से हम सुनेंगे इंशाल्लाह। आपने सर और भी कोई मशीन देखी थी? जी हाँ, मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन देख चुका था। अच्छा। जिस पे मैं कैन लगा के और बॉटल लगा के पूरा होगा, तो वो देखने के बाद में फिर आपका रिव्यू देखा, तो मैं बोला वो लगाएंगे, वो बात की बात है, पहले ये लगा के हम चेक करेंगे कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है। कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने ये मशीन देखी और कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन अच्छा। अच्छा, क्या बात। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो ऑटोमेटिक लगाने के बाद में ऐसा था कि अगर इसकी हम 6 मशीन लगाते हैं तो लगभग वही हो जाता है। अच्छा। इतना चार्ज में डिफरेंस था, तो हमने ये मशीन प्रीफर की है कि कम इन्वेस्टमेंट और अच्छा काम हो जाए। नहीं बिल्कुल, मगर आपका मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे, तरक्की दे। हमारी व्यूअर्स को हमारी कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप, कैसा लगा आपको हमारा काम, रिव्यू के साथ दे, ओके, क्या हो रहा है सर? एक ही लाइन में सर, लोग 5 स्टार देंगे, मैं 7 स्टार देता हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक कॉल पे अगर अवेलेबल है तो सबसे अच्छी चीज़ यही है। बिल्कुल, हर जगह सर्विस एक जैसी नहीं मिलती। सर्विस अच्छी है मतलब बिजनेस अच्छा है। बिल्कुल सर, अगर बिजनेस करना है तो जहाँ सर्विस आपको अच्छी मिलेगी वहीं करिए। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लोग रियल बेवरेजेस में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, ये बहुत बहुत शुक्रिया, ये सर का प्यार है। बल्कि वीडियो चालू होने से पहले मैंने एक अल्फाज बोला इनके बेटे को कि जो है वो सच आपको बताना है, सही है ना सर? मैंने यही बोला आपको कि और कुछ बताया मैंने आपको? नहीं नहीं, बस ये बता। तो ये मैं जो ला रहा हूँ रिव्यू आपके पास, ये बिल्कुल जेन्यून है, मैंने कोई चीज़ सीखा ही नहीं है सर ने। मैंने नहीं कहा सर को कि आप इतना स्टार दीजिए, ठीक है, मैं बोला ही नहीं, तो मैं हर वीडियो बोलता हूँ कि सर आप 1 से 10 में कितना स्टार देना चाहोगे, ठीक है। अपने आप ही सर ने 5+2 दिया है ना, ये बड़ी बात है, क्यों? एक 5 स्टार कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी होती है, मगर हमने कंप्लेंट के रिलेटेड 10 रेटिंग रखा हुआ है कि भाई 10 स्टार रखे हुए, ठीक है, मगर ये सर ने हमें 7 स्टार दिया, हमें बहुत खुशी है उसकी, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं कि हमारी कंपनी में 10 स्टार था। 10 स्टार का नहीं पता। अच्छा, देखो ये मैं ऐसे ही बोल रहा था, 5 स्टार मतलब एक 5 स्टार। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी कैटेगरी होती है, कैटेगरी होती है, तो मैंने 2 स्टार और दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपका 10 स्टार का मुझे नहीं पता था, मैंने 12 बोल देता था। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें देखो, ये सिखाई गई बात होती तो ये ना आता, ये सारा बिल्कुल मतलब मैं, मेरे दोस्त ही होते हैं, मैं कस्टमर के पास जाता हूँ मैं और ऐसे ही रहता हूँ कि मैं, मेरे दोस्त है और मैं, मेरी फैमिली मेंबर है, हमारी रियल ब्रेड सोडा मशीन कंपनी के फैमिली मेंबर है, ऐसे ही शो करता हूँ मैं, कभी भी सिखा देना और बातें बनाना अच्छा कस्टमर को। मैंने कहीं सुना ऐसा, मैं अभी आया हूँ महाराष्ट्र में, कहीं सुना कोई कंपनी वीडियो लेकर के गई, कस्टमर को कायदे से दबाया कि आप रिव्यू पूरा नहीं दोगे तो फिर सर्विस कैसे मिलेगी आपको, ऐसा कंपनी वाले ने उसको दबाया रिव्यू लेने से पहले, ये मैंने अभी सुना हूँ, आप यकीन माने, और बिल्कुल जवाबदार आदमी से सुना हूँ कि ऐसा ऐसा वो फुला फुला कंपनी वाले आए थे रिव्यू लेने के लिए और कस्टमर को ऐसा दबाया कि आप रिव्यू ठीक नहीं दोगे तो फिर हम सर्विस कैसे देंगे सर, यूँ करके। मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह रियल ब्रेड सोडा मशीन कंपनी ऐसा कुछ नहीं बोलती है, ठीक है। और बाकी का एक बात पूछना भूल गया मैं सर को, ये पूछूंगा सर, ये आपने 160 ml का जो बोतल बनाया सर, ये कितने में सेल करते हो आप मार्केट में अभी? 10 rupees MRP है, हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं 6.66 में आप दे देते जी। अच्छा, आपने आपका कॉस्टिंग निकाला कितने में पड़ता है घर में? सर अभी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5.45 में, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन के हिसाब से हमने हर चीज़ एक्स्ट्रा करके और अच्छी प्रोडक्ट के। मगर आप, हम मैं जो बोलता हूँ कि सर आप कम से कम दर्जे में 1 रुपया तो प्रॉफिट मिलेगा लगता है मैं? जी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उत्ता तो हम भी कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उतना प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, एक बोतल माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह पाक आपको बरकत दे। तो ये बिजनेस भी आप करना चाहो छोटी सी जगह में कर सकते हो, जैसे मैंने कल एक वीडियो शूट किया पूना के अंदर, फ्लैट के अंदर कर रहे थे, तो आप भी ऐसी छोटी जगह में काम कर सकते हो सर ने, तो हालांकि बहुत बड़ी जगह ली है और बहुत बड़ा प्लानिंग है सर का, बड़ा करना चाहो कहीं से नो प्रॉब्लम, मगर आप छोटे से भी स्केल, छोटे स्केल से भी स्टार्ट करना चाहो तो कर सकोगे बिजनेस को। अच्छी क्वालिटी की मशीन होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, अच्छी क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल बेवरेजेस, थैंक यू।